डोटासरा शिक्षा विभाग में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और वो इन प्रयोगों को लेकर चर्चा में भी है। इन दिनों एक आदेश शिक्षा विभाग का खासा चर्चा में, जिसमें राजकीय गर्ल्स स्कूल से 50 वर्ष से अधिक के शिक्षक लगाने की चर्चा है, और वो इसलिए जिससे स्कूलों में बीते दिनों काफी खबरें आई हैं कि छेड़छाड़ की घटना हो वो कम हो सके। पूरा क्या मसला है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डोटासरा साहब मौजूद है। सब बड़ी चर्चा है कि जो राजकीय गर्ल्स स्कूल हैं उनमें ऐसे शिक्षक लगाए जाएंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, तो क्या कारण रहा सर इसके लिए? देखिए, हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार क्या है कि एक दो घटना ऐसी हो जाती है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, जिससे हम सबको हमारी बेटियों के मामले में शर्मसार होना पड़ता है। तो हमारे विभाग ने ये कवायद की है कि कितनी ऐसी गर्ल्स स्कूल हैं, इतने टीचर हैं जो गर्ल्स स्कूलों में पुरुष लगे हुए हैं, कितनी ऐसी महिलाएं टीचर हैं जो पुरुष स्कूलों में लगी हुई हैं, तो इनका संतुलन बैठा करके उनके साथ किसी तरीके का उनके ऊपर न तो लांछन है, न कोई आरोप है, न कोई ऐसा हम आनंद फानंद में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ये कवायद हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट हो सकता हो तो बालिकाओं के विद्यालय में ज़्यादा लेडीज़ को लगाएं, जिससे बालिकाएं अगर कोई समस्या है तो वो अपनी माँ या बहन की तरह उन शिक्षिकाओं को जा करके वो कह सकें। तो ये जो कवायद की जा रही है, जो आंकड़े मंगवाए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, इसके पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हमारे शिक्षक खराब होते हैं या 50 साल से कम के शिक्षक बालिका स्कूल में रहने ही नहीं चाहिए, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन यथासंभव अगर किसी को कोई परेशानी नहीं हो और आगे से हम इस तरीके का अगर व्यवस्था जमाएं कि बालिका स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लेडी टीचर हों, तो मैं समझता हूँ वो बच्चियाँ जो उनके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए या उस प्रॉब्लम को अपनी शिक्षिका जो बहन या दीदी है उसको बता सकें। लेकिन जो उम्र वाला मसला है सर, जैसे 50 वर्ष से कम वाले शिक्षक, इसको लेके बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरी कम्युनिटी पर ही आपने एक तरह से शक जाहिर कर दिया कि वो लोग रहे नहीं। हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, ऐसा कोई ऑर्डर पारित नहीं किया, ऐसा हम कोई इस तरीके का कोई करने भी नहीं जा रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ आंकड़े मंगाने का काम था। हमने विभाग से आंकड़े जुटाए हैं कि कितने टीचर ऐसे हैं जो पुरुष विद्यालय में एडजस्ट होना चाहते हैं, कितने ऐसी लेडी टीचर हैं जो महिला बालिका विद्यालय में एडजस्ट होना चाहती हैं। तो इस तरीके से बीजेपी तो क्या बोलेगी, बोलने जैसी है ही नहीं। बीजेपी ने तो क्या किया 5 साल में, इस शिक्षा का ढांचा बैठा दिया, भट्टा बैठा दिया, ढांचा ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने। तो कभी साइकिल का कलर चेंज करते रहे, कभी कुछ करते रहे। आज जो नवाचार हो रहे हैं वो सब शिक्षकों की आम सहमति से हो रहे हैं, और मैं आपको कह सकता हूं कि तमाम शिक्षक संगठन या शिक्षकों की राय लेकर के हम कोई भी जो परिवर्तन है वो करेंगे। इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं कि सारे के सारे 50 साल के कम उम्र के टीचर हैं वो बालिकाओं में रहने ही नहीं चाहिए, ये इस तरह कतई हमारी मंशा नहीं है, न सरकार की इस तरह की कोई मंशा है। एक आखिरी सवाल, आप स्पष्ट कर रहे हैं सर कि ऐसा पूरे प्रदेश में लागू नहीं होने वाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आगे से किस प्रकार से हमारी बेटियों के लिए ज़्यादा शिक्षिकाएं लेडी टीचर कैसे लगा पाएं, ये एक योजना का जो है वो शुरुआत है, तो उसको हम डाटा मंगा करके एग्जामिन कर रहे हैं। माहौल अच्छा बने ऐसा प्रयास, माहौल अच्छा बने, उनको बालिका शिक्षक विद्यालयों में, बालिका विद्यालयों में महिलाएं टीचर हों तो कम से कम वो कोई बात कह सके। लेकिन इसके पीछे एक भी ऐसे टीचर को नहीं हटाया जाएगा कि वो 50 साल से कम उम्र का है, इसलिए उसको हटाया जाएगा कि उसके ऊपर हम शक्का कर रहे हैं। हमारे किसी भी शिक्षक और किसी भी शिक्षिका के ऊपर हम किसी तरह का सवाल या निशान नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, बालिका की सुविधा के लिए क्या स्थितियां बनती हैं कि हम इस तरीके से आगे जब नवीन विद्यालय खोलें तो उसमें कैसी व्यवस्था करें, कहाँ को एजुकेशन करनी है, कहाँ महिलाओं को लगाना है, कहाँ पुरुषों को लगाना है, कहाँ दोनों को एजुकेशन है तो साथ लगाना है। तो निश्चित रूप से इसका गलत अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और भाजपा के पास तो आज एजेंडा ही नियर भाजपा रही कहाँ है, अभी तो आरएसएस चला रहा है, जो कुछ भी चला रहा है। भाजपा तो वसुंधरा जी थी जो 2 बार मुख्यमंत्री थी, उसके तो पोस्टर गायब कर दिए इन्होंने पूरे राजस्थान से, उनको तो बुला ही नहीं रहे, इन चुनाव में नहीं बुला रहे। तो ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। हमारा केवल और केवल शिक्षकों का डाटा मंगा करके हम शिक्षक संगठनों से चर्चा कर लेंगे, शिक्षकों से चर्चा कर लेंगे, उनके सुझाव आमंत्रित कर लेंगे, और उनको
यथा संभव समायोजित करने के बाद में इस तरह की कोई कार्यवाही करेंगे। हम किसी भी शिक्षक के ऊपर किसी तरह का शंका हमारे शिक्षक परिवार पे नहीं करते। तो यह है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने साफ किया है कि उनके विभाग की ऐसी मंशा नहीं है कि सभी गर्ल्स स्कूल से 50 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक हटा दिए जाएं। हाँ, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि बीते दिनों जिस तरीके की छेड़छाड़ की घटनाएं की खबरें आई हैं स्कूल से, तो माहौल कैसे अच्छा बनाया जा सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ झुंझुनू।